प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे। सही, सबसे पहले आपको दो फार्मूलाज पे फोकस करना पड़ेगा। प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बराबर होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई था 100% डिवाइड बाई किससे, कॉस्ट प्राइस से, मतलब वैल्यू आएगी और परसेंट भी आएगी, परसेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%। अच्छा जी, तो ये दो फार्मूलाज पे हमें फोकस करना है। इन दो फार्मूलाज के जरिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देन प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या है और कॉस्ट प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये हुआ कि अगर पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ है कि अगर मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शॉप पर जाता हूँ और इसका मोबाइल की कोई रेट पूछता हूँ, मोबाइल का रेट कितना है, कोई भी इन्फिनिक्स हो, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी मोबाइल हो, मैं उससे रेट पूछता हूँ उसका क्या रेट क्या है, वो बताता है 20,000 इसका रेट है, तो वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहेगी। कॉस्ट प्राइस ही है वो, मैं 20,000 का मोबाइल ले लेता हूँ, सही, कॉस्ट प्राइस मैंने वो ले लिया है, सही, वो इसने कॉस्ट बताई मैंने उसमें ले लिया। अब मैं घर पर आता हूँ, ये मेरा फ्रेंड देखता है मोबाइल, वो कहता है कि 20,000 में मोबाइल मैंने लिया है मार्केट से, एक काम करो ये मुझे भेज दो 21,000 का, मतलब ये 1,000 एक्स्ट्रा मतलब मुझे भेज दो, क्या कहलाएगी, मैंने उसने सेल किया 21,000 है वो सेल प्राइस कहलाएगी जिससे बेच रहा हूँ, और जो मैं लेके आया हूँ क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि फात बाय करता है एक टेबल, फात क्या कर रहा है, बाय कर रहा है टेबल, कितने रुपये खरीदा है, वही चीज़ उन्होंने बताई है शॉप पे मैं गया था, उन्होंने बताया कि फात बाय कर रहा है कितने टेबल की, टेबल उसने खरीदी है कितने की, 2,000 रुपये की, एंड सेल इट कितने सेल कर देता है 2,200 की वो सेल कर रहा है। हाउ मच प्रॉफिट डज ही अर्न, मतलब वो कितना उसका प्रॉफिट होता है, कितना वो कमाता है एक्स्ट्रा पैसा उसका कितना आ जाता है सेल करने के बाद, कितना उसको प्रॉफिट होगा, एंड वॉट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, और कितने परसेंट उसको फ़ायदा हुआ है, परसेंट नहीं बताना है प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट हुआ कितना यही बताना है, परसेंट नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर जो चीज़ डेटा भी दी हुई है उसमें हम फोकस करेंगे। डेटा में क्या दिया हुआ है, बाय अ टेबल, क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास जिसे हम बोलते हैं सी पी भी कहते हैं इसको, ये नहीं है वो सी पी नहीं कहते, सी पी भी कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, हम नहीं कहते हैं सी पी भी कहते हैं, बराबर होगा किसके, कॉस्ट प्राइस क्या लिखे 2,000 रुपीज़, 2,000 सही। नेक्स्ट क्या दी हुई है, एंड सेलिंग प्राइस, कितने में सेल करता है वो, सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है, सेल है सेलिंग प्राइस दी हुई जिसे हम एच पी भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एच पी भी कहता हूँ, कितने की सेलिंग प्राइस, कितने से सेल कर रहा है 2,200 में से सेल कर दी है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें निकालना है और क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। दो चीज़ें हमें निकालनी है इसमें, दो चीज़ें हमें गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने डेटा बना दिया, डेटा का सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सिंपल है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रॉफिट सेल प्राइस में माइनस करोगे उसको कॉस्ट प्राइस को, मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट बराबर होगा किसके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी, कितने सेल होगी 2,200 बाद में सेल करिए, और प्राइस कितनी थी 2,000, और जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 200 का, 200 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, सही। अब मैं बात करूंगा प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा किसके, प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इस मल्टीप्लाई बाय 100% यहाँ पर आंसर आएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 का प्रॉफिट हुआ है।
कॉस्ट प्राइस भी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी 2000 मल्टीप्लाई बाय 100%। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 से 20 यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जैसे होते हैं 10 से 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है यहाँ पे यहाँ कर देगा 10, क्या बच गया सिर्फ 10%। कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे भी अहमद तो बात में, इतना प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो।